तो आ जाओ मेरे पढ़ाकों, आपको कल मैंने बताया था ना कि 11th का बच्चों की रिक्वेस्ट पर डायमेंशन वाला पोर्शन शुरू किया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मेरे बेटा आज मैं डायमेंशनल एनालिसिस के अंदर एंगुलर क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूले बताऊंगा जिसमें बच्चों को थोड़ी दिक्कत आती है। मैं जो भी डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ाऊंगा पहले उस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करूंगा कि वो क्या है, अदरवाइज बुक्स वगैरह में सीधे उन्होंने नई नई क्वांटिटीज डाल दी, तुम जानते ही नहीं हो कि ये क्या है। तो इसीलिए मन लगा करके समझने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन कहना रह गया, पहले डायमेंशन का पार्ट वन देख लो और पार्ट वन देखने के बाद टू पर आओ, तभी मजा आएगा आपको ये वीडियो देखने में, तभी समझ में आएगी सारी कहानी। तो देख के आओ पहले फर्स्ट पार्ट और तुरंत आ जाओ सेकंड पार्ट पर। मिलते हैं 30 सेकंड बाद। सबसे पहली क्वांटिटी है हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सिर्फ एंगल, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसका सिंबल है थीटा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब है थीटा। ये कब यूज होता है बेटा? एक बॉडी घूम रही है, रोटेट कर रही है, एक सेकंड में 30 डिग्री घूम गई। मैं ये नहीं कहूंगा कि एंगल इज 30, मैं कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 30। एक बॉडी वंस यहां से यहां तक घूमते हुए 90 डिग्री घूम गई, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि एंगल इज 90, मैं कहूंगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज 90। मोशन के समय एंगल ना बोल करके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अच्छा तो बेटा एक बात बताओ, मान लो कोई बॉडी यहां पर थी और घूम करके यहां पहुंच गई, मोशन करके यहां पहुंच गई, तो आप इस थीटा को क्या बोलोगे? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है या कोई भी एंगल क्या होता है बेटा? आर्क अपॉन रेडियस। तो बेटा ये है हमारी आर्क और ये है हमारी रेडियस। लेकिन बेटा वही कल वाली बात, आपको अच्छी तरह से पता है कि आर्क भी एक तरह से लेंथ है, तभी तो मैंने कहा था यार बेटा फर्स्ट पार्ट देख करके आओ। आपको यह भी पता है कि आर्क भी एक तरह की लेंथ ही है और रेडियस भी लेंथ ही है, और जब आर्क भी लेंथ है रेडियस भी लेंथ है तो दोनों का रेशियो तो कुछ भी नहीं बचा, एल से एल कट गया, बाकी कुछ था ही नहीं। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है डायमेंशन लेस, और या फिर साधारण एंगल भी बोल दो तो वो है डायमेंशन लेस। और फिर भी कोई लिखने को कह दे तो एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ये है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का। अब मेरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो समझ लिया, डायमेंशनल फॉर्मूला पढ़ लिया, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है बेटा और उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है ओमेगा। कई बच्चे इसे डब्ल्यू समझते हैं बेटा, डब्ल्यू तो इंग्लिश का अल्फाबेट है, ओमेगा ग्रीक अल्फाबेट है। ओमेगा लिखने का तरीका क्या है? आप उल्टा पार बनाओ और उसमें से इतना हिस्सा काट दो तो जो बचेगा वो है ओमेगा। ये दोनों साइडें कर्व होती हैं। आप 11 के बच्चे हो, आपको नहीं पता इसलिए मैं सब कुछ बता रहा हूं। ओमेगा की ये साइड बिल्कुल पान जैसी होती है, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का सिंबल है। अच्छा एंगुलर वेलोसिटी का मीनिंग क्या है बेटा? एंगुलर वेलोसिटी यदि मैं कह रहा हूं किसी की 10 रेडियन पर सेकेंड है, इसका मतलब वो एक सेकेंड में 10 रेडियन एंगल घूम गया। कोई भी बॉडी एक सेकंड में जितना एंगल घूम जाती है वो उसकी एंगुलर वेलोसिटी कहलाती है। मान लो मैं कह रहा हूं किसी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी है 5 रेडियन पर सेकंड, यानी एक सेकंड में 5 रेडियन घूम गया,
दूसरी की वेलोसिटी है 20 रेडियन पर सेकंड, तो एक सेकंड में 20 रेडियन घूम गया, एक सेकंड में जितना एंगल घूम गया वही एंगुलर वेलोसिटी है। तो एक बात बताओ, मान लो कोई बॉडी टी सेकंड्स में थीटा एंगल घूम गई, टी सेकंड्स में थीटा एंगल घूम गई, तो यूनिटरी मेथड से एक सेकंड में कितना घूमेगी थीटा अपॉन टी, एक सेकंड में कितना रोटेट करेगी थीटा अपॉन टी, लेकिन जो एक सेकंड में रोटेशन होता है उसे तो एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं, तो यहीं से फॉर्मूला आया एंगुलर वेलोसिटी का थीटा अपॉन टी, ये है एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला। अब मेरे बेटा एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया, तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला भी निकाल लेंगे। तो डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा, थीटा का तो डायमेंशन ही नहीं है, थीटा तो है एम जीरो एल जीरो टी जीरो, लेकिन नीचे टाइम का तो डायमेंशनल फॉर्मूला है टी। तो इसे सिंप्लीफाई करके बेटा, ब्रैकेट्स का ध्यान रखना, कुछ बच्चे जबरदस्ती उल्टा सीधा लिख देते हैं और फिर नंबर कटवाते हैं 11th में। तो ये m0 l0 t माइनस 1, ये हमारा ओमेगा यानी एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एंगुलर वेलोसिटी, मान लो कोई बॉडी एक सेकंड में कम एंगल घूमेगी तो हम कहेंगे लेस एंगुलर वेलोसिटी, कोई बॉडी एक सेकंड में ज्यादा एंगल घूमेगी तो हम उसे कहेंगे लार्ज एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी एक सेकंड में जितना एंगल वो घूमती है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। अब मेरे बेटा अगला पॉइंट है हमारा एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन जिसका सिंबल है अल्फा। एंगुलर एक्सेलरेशन ये कब होता है, पहले बताओ लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन कब होता है। यदि आप लीनियर जानते हो तभी तो आप एंगुलर पढ़ोगे। कोई बॉडी पहले स्लो चल रही थी अचानक फास्ट हो गई तो देयर इज एक्सेलरेशन। कोई बॉडी पहले स्लो चल रही थी अचानक तेज चलने लगी तो देयर इज एक्सेलरेशन। तो कोई बॉडी पहले धीरे घूम रही थी अचानक तेज घूमने लगी तो देयर इज एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन का मतलब है बॉडी ने रोटेशन की स्पीड बढ़ा दी है, पहले वो स्लो रोटेट कर रही थी और बाद में वो तेज रोटेट करने लगी। तो लीनियर एक्सेलरेशन होता है तब जब कोई बॉडी लीनियर चलते हुए स्पीड बढ़ाए, और एंगुलर एक्सेलरेशन तब होता है जब वो रोटेट करते हुए स्पीड बढ़ा दे। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये बिल्कुल वैसा है जैसे लीनियर एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ये आपने पढ़ा हुआ है। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहां पर चेंज इन वेलोसिटी की जगह चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी आ गया और एक्सेलरेशन की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। तो अब मैं निकालूंगा एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। ये तो हो गया बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, अब हम निकालेंगे एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला। जब भी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालते हैं तो बेटा ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। अब चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला वही होता है जो ओमेगा का होता है, मतलब एंगुलर वेलोसिटी का, जो एंगुलर वेलोसिटी का वही चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी का। तो मेरे बेटा ये हो गया m0 l0 t माइनस 1, ये तो डेल्टा ओमेगा का आ गया और टाइम का t है। तो बेटा सॉल्व करके क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा m0 l0 t माइनस 2 पूरा, यदि हम कंप्लीट लिखे तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला है। अब बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन समझ में आ गया, एंगुलर वेलोसिटी आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ गया। अब मैं आपको बता रहा हूं बेटा नेक्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्टिया, एक कंपैरिजन करा जाए जरा छोटा सा। लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे आप एस कहते हो, तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है जिसे आप थीटा बोलते हो। लीनियर मोशन में वेलोसिटी होती है जिसको आप यू बोला करते हैं, सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी होती है जिसे आप ओमेगा बोला करते हैं। लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन होता है जिसको आप ए कहते हो, यहां एंगुलर एक्सेलरेशन होता है जिसको आप अल्फा कहते हो। यानी लीनियर में डिस्प्लेसमेंट है तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, यहां वेलोसिटी है वी कह देते हो तो वेलोसिटी है, तो यहां एंगुलर वेलोसिटी है, वहां एक्सेलरेशन है तो यहां एंगुलर एक्सेलरेशन है। लीनियर मोशन को में मोमेंटम होता है, लीनियर मोशन में मोमेंटम, ध्यान से सुनना बोर्ड पर पूरा नहीं लिख रहा हूं, लीनियर मोशन में मोमेंटम होता है तो सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम होता है जिसको हम एल कहते हैं। लीनियर मोशन को शुरू करता है फोर्स, सर्कुलर मोशन फोर्स शुरू करता है लीनियर मोशन को, और एंगुलर मोशन को शुरू करता है टॉर्क। एंगुलर मोशन को शुरू करने वाली चीज है टॉर्क। मैं जरा टॉर्क के बारे में आपको थोड़ा सा बताऊं,
है, लीनियर मोशन को शुरू करता है, फोर्स सर्कुलर मोशन को शुरू करता है, टॉर्क। देख बेटा टॉर्क और फोर्स में क्या अंतर है? फोर्स इज द एफर्ट विच कैन स्टार्ट लीनियर मोशन, टॉर्क इज द एफर्ट विच कैन स्टार्ट रोटेशनल मोशन। जैसे ये पेन है, मैंने इस पे एफर्ट करी और इसे आगे बढ़ा दिया, लीनियर मोशन शुरू कर दिया, तो मैं कहूंगा आई हैव अप्लाइड फोर्स। अब ये पेन रखा हुआ है, मैंने एफर्ट करके इसे घुमा दिया, मैं एफर्ट करके इसे घुमा रहा हूं, तो मैं बोलूंगा आई हैव अप्लाइड टॉर्क। फोर्स भी एफर्ट है, टॉर्क भी एफर्ट है। जो लीनियर मोशन करा सके वो फोर्स है और जो रोटेशन करा सके वो टॉर्क है। तो द एफर्ट विच कैन स्टार्ट लीनियर मोशन इज द फोर्स एंड द एफर्ट विच कैन स्टार्ट रोटेशनल मोशन इज द टॉर्क। अच्छा, एक बहुत जरूरी चीज वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बेटा पॉइंट नंबर 1 में हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, पॉइंट नंबर 2 में एंगुलर वेलोसिटी, पॉइंट नंबर 3 में एंगुलर एक्सेलरेशन, ये तो कंपैरिजन था। पॉइंट नंबर 4 में मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पॉइंट नंबर 4 है बेटा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब पहले बेटा 5 मिनट इसे समझो कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या बला है, क्या चीज है। मेरे बेटा जिस तरह से लीनियर मोशन में देखने यहां का समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, लीनियर मोशन में जैसे मास होता है, हैं? लीनियर मोशन में मास होता है, उसी तरह से सर्कुलर मोशन में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो मैं MOI लिख रहा हूं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और इसका सिंबल है I। लीनियर मोशन में मास, अच्छा एक बार जरा दिमाग में दोहराओ, लीनियर मोशन में डिस्प्लेसमेंट तो यहां एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां वेलोसिटी तो यहां एंगुलर वेलोसिटी, वहां एक्सेलरेशन की जगह यहां एंगुलर एक्सेलरेशन, मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम, फोर्स की जगह ले ली टॉर्क ने, मास की जगह ले ली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने। तो मैं पहले जरा मास और मोमेंट ऑफ इनर्शिया को कंपेयर कर रहा हूं, क्या है इनमें सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी। जो रोल लीनियर मोशन में मास का है वो रोल सर्कुलर मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। मेरे बेटा इस चीज पर 2-4 मिनट लगाऊंगा। जो रोल लीनियर मोशन में मास का है वो रोल सर्कुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया का है। कैसे? एक बात बताओ, जिसका मास कम है उसे खिसकाना आसान है, जिसका मास ज्यादा है उसे खिसकाना मुश्किल है। जैसे एक साइकिल खड़ी है और एक ट्रक, यदि मैं खींच के लात मारूं तो कौन तेजी से भागेगा? साइकिल। वो क्यों आसानी से चली गई? क्योंकि उसका मास कम है। जिसका मास कम है उसका लीनियर मोशन कराना आसान है। दूसरे नंबर पे था ट्रक, मैंने उतनी तेज खींच के लात मारी लेकिन वो तो बड़े धीरे धीरे से आगे बढ़ा। अरे हंस रहा हूं, ट्रक नहीं बढ़ेगा, लेकिन ट्रक मतलब मुश्किल हो गया ना, उसे खिसकाना मुश्किल हो गया। क्यों हो गया मुश्किल? क्योंकि उसका मास ज्यादा है। 100 बात की एक बात, जिसका मास कम है उसे हम आसानी से चला देते हैं लीनियर मोशन में, और जिसका मास ज्यादा है उसे चलाने में, लीनियर मोशन में लाने में मुश्किल होती है। यही सारा काम मोमेंट ऑफ इनर्शिया करता है। जिस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसे घुमाना आसान है। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है उसे घुमाना आसान है, और जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है उसे घुमाना मुश्किल। जिस चीज को आप आसानी से घुमा सको कह देना ये है लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और जिस चीज को घुमाने में मुश्किल हो जाए, मैं ये नहीं कह रहा हूं घूम नहीं सकता, जिसे घुमाने में मुश्किल हो जाए उसे कह देना हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब एक मेरे पास ये छोटा सा पेन है, इसे मैंने बड़ी आसानी से घुमा दिया तो मैं कहूंगा इट हैज लेसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मैंने एक बेंच उठा ली, इतनी बड़ी बेंच उठा नहीं रहा, क्लास में पड़ी हुई है उठा नहीं रहा, मान लो बेंच उठा ली, मैं उसे घुमा रहा हूं, मैं ये कब कह रहा हूं घुमा नहीं सकता, लेकिन घुमा रहा हूं, मुझे मुश्किल हो रही है, मुझे डिफिकल्टी हो रही है, और यदि मुझे डिफिकल्टी हो रही है तो वो हाई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का पर्पस क्या है। कम मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब उन चीजों को घुमाना आसान, और ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब उसे घुमाना मुश्किल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दरअसल मास के साथ साथ रेडियस पर भी डिपेंड करती है। यदि कोई पॉइंट मास आर रेडियस में घुमाया जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है MR स्क्वायर, यानी कि बेटा मास बढ़े तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और घुमाना मुश्किल हो जाएगा, और रेडियस बढ़े तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा और घुमाना मुश्किल हो जाएगा। इसके बारे में डिटेल डेरिवेशन आपको मिलेंगे चैप्टर रोटेशन में, फिलहाल मैं उतना बता रहा हूं जितना क्वांटिटी से जान पहचान हो जाए, थोड़ी दोस्ती यारी सी हो जाए कि ये क्या है। तो एक बात सुन, मैंने कहा जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा उसे घुमाना मुश्किल, जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम उसे घुमाना आसान। एक बात बताओ, मैंने दो बच्चों को डोरी में मास बांध के दिए,
एक बच्चे को 1 केजी का मास बांध के दिया और एक केजी को 5 केजी का मास बांध के दिया और मैं कह रहा हूं इसे घुमाओ है? मैंने दो बच्चों को मास बांध के दिए, एक को 1 केजी का मास बांध के दिया और एक को मैंने 5 केजी का मास बांध के दिया। तुम बताओ किसे घुमाने में मुश्किल होगी, जिसे 5 किलो बांध के दिया ना, यानी कि 5 केजी जिसे डोरी में बांध के दिया उसे घुमाने में मुश्किल हो रही है, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास डिपेंडेंट है। लेकिन रेडियस डिपेंडेंट कैसे? मैंने दो बच्चों को बिल्कुल बराबर मास बांध के दिए, एक किलो का मास एक डोरी में एक बच्चे को, एक किलो का मास दूसरी डोरी में दूसरे बच्चों को, तो किसे मुश्किल होगी? तो आप लोगों को ऐसा लगेगा दोनों आसानी से घुमा देंगे, दोनों को बराबर मेहनत करनी पड़ेगी। ना भाई, मैंने रेडियस बदल रखी है, एक बच्चे को एक किलो का मास इतनी सी डोरी में बांध के दिया और दूसरे बच्चे को एक किलो का मास इतनी बड़ी डोरी में बांध के दिया, और जब मैं बड़ी डोरी में बांध के दूंगा तो घुमाने में दिक्कत होगी। क्यों? रेडियस बढ़ेगी तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगी तो भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ेगा, और ऐसे में मुश्किल हो जाएगी। 100 बात की एक बात, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास के साथ रेडियस पर भी डिपेंड करती है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है? तो जवाब है मास का डायमेंशनल फॉर्मूला है m, रेडियस का है l, तो हो गया ml स्क्वायर। लेकिन जैसे कि मैं शुरू से प्रॉपर तरीके से बता रहा हूं, टाइम मिसिंग है, तो m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर 0, ये है डायमेंशनल फॉर्मूला मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। अब मेरे बेटा आप जरा कंपोजिशन पे बार-बार नजर डालो, मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट s की जगह क्या है, इसे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो बहुत काम आएगा। s की जगह क्या है? थीटा। v की जगह क्या है? ओमेगा। a की जगह क्या है? अल्फा। p की जगह क्या है? l। f की जगह क्या है? टॉर्क। टॉर्क बेटा ग्रीक अल्फाबेट है, इस तरह से बनाया जाता है, ये t नहीं है, t जैसा है, ग्रीक अल्फाबेट है, इसे बोलते हैं टॉर्क। तो मेरे बेटा यहां पर टॉर्क और मास की जगह क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बेटा अब जरा मुझे बताओ, लीनियर के फॉर्मूले पता है तो रोटेशनल के फॉर्मूले में निकालना सिखाता हूं। मेरे बेटा किसी ने कहा कि मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप जानते हो मोमेंटम का फॉर्मूला, पॉइंट नंबर 5, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। ये अभी मैं लीनियर मोशन का कह रहा हूं। अब कोई आपसे पूछे कि एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है, तो मास की जगह रोटेशन में क्या है? मास की जगह है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और वेलोसिटी की जगह है ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी। तो आप कुछ मत करना, यदि मोमेंटम की जगह एंगुलर मोमेंटम कहे तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेना और वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी ले लेना। ये इससे जैसा फॉर्मूला है बिल्कुल इसी के जैसा, तो मास की जगह मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, इसका सिंबल है एल है। ये तो लीनियर मोशन का है, ये तो मैंने इसलिए लिखा कि फॉर्मूला कैसे याद रखोगे। अब एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का तो हम निकाल चुके हैं एमएल स्क्वायर, और ओमेगा का हमने निकाला था टी माइनस वन, भाई जो जीरो है पावर वो मैं बोल नहीं रहा, टी माइनस वन, तो ये हमारा हो जाएगा टी माइनस वन। तो ये है डायमेंशनल फॉर्मूला एंगुलर मोमेंटम का। भाई दो तीन बार रिवाइज करोगे तो इससे आसान नहीं हो सकता। छठा नंबर, मैंने ये कहा टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला बताओ। पहले आप ये बताओ, आपने लीनियर मोशन में एफ इजिकल टू एम ए पढ़ा हुआ है, लीनियर मोशन में एफ इजिकल टू एम ए पढ़ा रखा है, तो मुझे बताओ रोटेशन में किस एफ एम और ए की जगह क्या है? रोटेशन में फोर्स की जगह है टॉर्क, गौर से सुन लो, फोर्स की जगह है टॉर्क, मास की जगह है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह है अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। फिर से एफ की जगह टॉर्क, मास की जगह आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह अल्फा। तो जो लीनियर मोशन में एफ इक्वल टू एम ए है, रोटेशन में उसकी जगह फॉर्मूला है फोर्स की जगह है टॉर्क, और मास की जगह है आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ए की जगह है अल्फा। ये फॉर्मूला रोटेशन का फॉर्मूला है। अब मुझे टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए, टॉर्क, टी ओ आर क्यू यू ई, टॉर्क, मुझे टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला चाहिए। तो आई का डायमेंशनल फॉर्मूला तो ये रहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एम एल स्क्वायर, और अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला था टी माइनस टू, मैं जीरो पावर नहीं बोल रहा, टी माइनस टू, अल्फा का डायमेंशनल फॉर्मूला था टी माइनस टू। तो इस तरह से टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया। तो आज आपने अभी अभी क्या क्या सीखा, थीटा, ओमेगा, अल्फा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, टॉर्क,
ये सारी मेन क्वांटिटीज हैं, ये सारी रोटेशन की मेन क्वांटिटीज हैं जिनका डायमेंशनल फॉर्मूला मैंने निकलवाया। तो मेरे बेटा ईमानदारी से बता रहा हूं, यदि आपने 2-3 बार इस वीडियो को पूरा देखा, लिख के देखा, तो आपको सारा जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। इसके स्क्रीनशॉट्स ले लो और बाकी डायमेंशंस को आगे पढ़ने के लिए कल आ जाइएगा लौट के। नीचे सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस मिलते रहे। तो फिलहाल समय आ गया है कहने का बाय बाय मेरे पढ़ाकू। और पढ़ाकू किस लिए? क्योंकि एंड तक देखा इसलिए।